साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना के अकाउंट से पैसे उड़ाने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी ठगी के बारे में बताएंगे जहां पर ठगी से बचने के लिए ना ही डेबिट कार्ड बनवाया गया, ना नेट बैंकिंग की सेवा ली गई, बावजूद इसके ठग ने अकाउंट से 44 लाख रुपए साफ कर दिए। जी हां, सही सुना आपने, 44 लाख रुपए। दरअसल मामला नोएडा के एक मरहूम रिटायर्ड कर्नल की पत्नी से जुड़ा है, जहां उनके पेंशन वाले बैंक अकाउंट से ठग ने 44 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगी का शिकार हुई बुजुर्ग को इस बारे में तब पता चला जब वो ठगी से जुड़ी एक खबर पढ़ने के बाद अपना अकाउंट अपडेट कराने एक राष्ट्रीय बैंक की सेक्टर 2 की ब्रांच पहुंची। अब आप ये भी जान लीजिए कि ठगी कैसे हुई। ठगी से बचने के लिए बुजुर्ग ना ही डेबिट कार्ड और ना ही इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करती थी। अपनी जरूरतों के हिसाब से वो हमेशा चेक से ही भुगतान किया करती थी। ठगी की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। किसी ठग ने, जो कि बुजुर्ग की फाइनेंशियल एक्टिविटी से बखूबी वाकिफ था, उसने बैंक की ब्रांच में जाकर खुद को बुजुर्ग का बेटा बताकर बैंक कर्मियों को झांसे में लिया। ठग ने बताया कि माँ बीमार रहती हैं, इसलिए बैंक नहीं आ सकती। इसके लिए उसने बकायदा बुजुर्ग महिला का फोटो बैंक फॉर्म में लगाकर पहले अपना फोन नंबर बुजुर्ग के अकाउंट पर एक्टिवेट कराया, फिर नेट बैंकिंग हासिल कर 44 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इन पैसों से कई नामी ज्वेलरी शॉप से करीब 10 लाख की शॉपिंग भी की गई। इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों और ब्रांच मैनेजर की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एक डॉट भी गलत होने पर आम इंसान को छोटी मोटी पेमेंट के लिए चक्कर लगवाने वाले इन बैंक कर्मियों ने फिजिकली जाकर बुजुर्ग से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। अब बुजुर्ग ने सेक्टर 20 थाने में रिपोर्ट दी है। मामले में साइबर सेल बैंक कर्मियों की भूमिका और ठग को गिरफ्त में लेने के लिए जुट गई है।